एक लेडी कांस्टेबल जो सादे कपड़ों में होती है, वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे बढ़ रहा अंधेरा रात की दस्तक दे रहा था। वह लेडी कांस्टेबल अपने गांव से कुछ ही दूरी पर थी। रास्ता बेहद सुनसान था, दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर पहुंच जाना चाहती थी। तभी पीछे से अचानक उसे कोई आहट सुनाई देती है। वह लेडी कांस्टेबल तेजी से पीछे की तरफ मुड़ती है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। इसे वो अपना वहम मानकर फिर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह को दबाया और उसे खेत में खींच ले गया। वह लेडी कांस्टेबल छटपटाने लगती है। उस व्यक्ति की मजबूत पकड़ से वह आजाद होना चाहती थी, इसलिए वो पूरा दम लगाकर उस आदमी से भिड़ जाती है। काफी देर तक दोनों में मारपीट होती है। इस दौरान लेडी कांस्टेबल का एक दांत भी टूट जाता है। लड़ते लड़ते वो महिला बेदम हो जाती है। इसके बाद वो हैवान उसके ऊपर सवार हो जाता है। उससे बचने के लिए वह उसके गालों को नोच लेती है, उसके चेहरे को नोच लेती है, फिर भी वो हैवान उसे नहीं छोड़ता। इसके बाद वो महिला उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं पास के ही गांव की हूं। तब भी वो नहीं रुकता। इसके बाद वो महिला पूरा जोर लगाकर उसकी उंगली में काट लेती है, फिर भी वो दरिंदा नहीं रुकता। लेडी कांस्टेबल अपना बचाव करते करते बुरी तरह से थक चुकी थी। फिर वो दरिंदा उसकी अस्मत लूट लेता है। नमस्कार आदाब, आज की सच्ची और दर्दनाक कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जहां एक महिला कांस्टेबल जो अयोध्या जिले में पोस्टेड होती है, उसके पति और घर वालों का एक दिन फोन आता है कि अरे करवा चौथ का त्योहार आ रहा है, क्या घर नहीं आना है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं जरूर आऊंगी। घर वाले कहते हैं कि समय से आना, फोन पर हमें इत्तला देते रहना। इसके बाद वो लेडी कांस्टेबल अपने ड्यूटी पर निकल पड़ती है। वक्त बीतता है और वह महिला तय समय यानी कि 19 अक्टूबर 2024 के दिन करवा चौथ का पर्व मनाने अपने ससुराल कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के एक गांव के लिए निकल पड़ती है। रास्ते भर वो अपने अरमानों में खोई हुई होती है कि कितना अच्छा होता है करवा चौथ हम सुहागिनों के लिए, हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। यही सोचते सोचते वह गांव वाले रास्ते पर पहुंच जाती है। वह सोचती है कि चलो अब कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। इधर अंधेरा होता देखकर उसके ससुराल वाले भी परेशान हो जाते हैं कि अभी तक उनकी बहू नहीं आई। इधर वो लेडी कांस्टेबल तेज कदमों से घर के रास्ते को तय कर रही थी। सुनसान रास्ता, दूर दूर तक सन्नाटा, उसके रोम रोम में खौफ पैदा कर रहे थे। अनजाने डर से वो कांप रही थी। फिर वह खुद को समझाती है कि अरे नहीं, मैं क्यों डर रही हूं, मैं तो खुद पुलिस वाली हूं, मुझसे कौन पंगा लेगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसके मुंह को दबाकर उसे कोई पीछे से दबोच लेता है और खींचकर उसे खेत में ले जाता है। लेडी कांस्टेबल पूरी बहादुरी से उस दरिंदे का सामना करती है, लेकिन उस हैवान से खुद को बचा नहीं पाती। इस दौरान महिला उसके हाथ की उंगलियों को बुरी तरह से काट लेती है, जिससे वो दरिंदा दर्द से बिलबिला उठता है। महिला जोर जोर से शोर मचाती है। तभी कुछ ही दूरी पर कुछ लोग उसे नजर आते हैं। शोर सुनकर वो लोग आवाज जिधर से आ रहे थे उस दिशा में दौड़ते हैं और शोर मचाते हुए वहां पहुंचते हैं। लोगों को करीब आता देखकर वह दरिंदा उस महिला को छोड़कर भाग निकलता है। इसके बाद लोग किसी तरह से उस महिला के परिजनों को सूचना देते हैं। लेडी कांस्टेबल घर आती है और उसके कपड़े जगह जगह से फटे होते हैं। घर वाले उसे इस हाल में देखकर तड़प जाते हैं। इसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है। इस खबर से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। पीड़िता खुद पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है। पीड़िता महिला कांस्टेबल से पूरी जानकारी लेकर पुलिस किसी घायल शिकारी की तरह अपराधी की तलाश में जुट जाती है। पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घटना क्योंकि गांव के करीब में हुई है, तो हो ना हो आरोपी भी आसपास के ही किसी गांव का होगा। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है और दरिंदे की तलाश करती है, जिसके मुंह पर नोचने के निशान हो, दाग हो और जिसके हाथ की उंगलियां चबा ली गई हो, यही पुलिस के पास क्लू होता है।
सर्च ऑपरेशन करते करते जब पुलिस वाले पीड़िता के गांव के बगल वाले गांव पहुंचते हैं और गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, तभी पुलिस की निगाह एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो काफी घबराया हुआ था। पुलिस वाले उसे बुलाते हैं तो वो भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस वाले दौड़ाकर उसे पकड़ लेते हैं और जैसे निशान लेडी कांस्टेबल ने बताए थे वैसे ही ठीक निशान उंगली काटने और मुंह पर नोचने के निशान उसके शरीर पर मिलते हैं। पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आरोपी को गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस मामले का खुलासा करती है। एसीपी घाटमपुर रंजीत कुमार इस घटना के विषय में बताते हैं, क्योंकि उस दिन अंधेरा होने के चलते आरोपी ने हेड कांस्टेबल को खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बगल के ही गांव का था, जिसका नाम धर्मेंद्र उर्फ कल्लू है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता हेड कांस्टेबल ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने जब उसे खेत में घसीटने का प्रयास किया तो उसकी उससे जमकर मारपीट हुई। इस दौरान महिला हेड कांस्टेबल ने आरोपी की एक उंगली भी चबा ली, जिसके चलते महिला सिपाही का एक दांत भी टूट गया था। उसके बाद भी आरोपी ने महिला के कपड़े फाड़कर रेप की घटना को अंजाम दे डाला। सेन थाना पुलिस ने बताया कि महिला हेड कांस्टेबल की शिकायत पर क्षेत्र में तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया गया और महिला कांस्टेबल की बताई गई पहचान, चेहरे पर दाग और उंगली कटी होने के कारण आरोपी को कुछ ही घंटों के बाद पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखा आपने कैसे दरिंदे घात लगाकर लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बहरहाल अब सारी जिंदगी उसे जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। चलते चलते आखिर में आप सभी से एक निवेदन है, चौकन्ने रहिए, होशियार रहिए और अपने आसपास घटित होने वाली सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। अपराधों की ऐसी सच्ची दास्तान देखने के लिए देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।